हाल में ही 144 का आदेश जारी हुआ है, उसके मद्देनज़र 11 से 5 के बीच पूरी तरीके से लॉकडाउन रखा गया है। तो कुल मिलाकर शासन की मंशा ये है कि हम बहुत ज़्यादा सख्ती करें, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाएं कि जो भी हमारे होटल हैं, जिम हैं, मैरिज गार्डन है, जिस तरीके की भी जो संस्थाएं हैं, वहां दोनों डोज लगे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकें, और साथ ही ये सुनिश्चित हो सके कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो इन चीज़ों की पालना करते हुए ही लोग वहां पर आएँ। तो हमारी टीम शाम में नगर निगम और हमारे SDM लोग भी घूमते हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य का सर ध्यान रखें और यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, और जहां आवश्यक ना हो वहाँ इस तरीके की जो गैदरिंग है उससे बचें। होटल वाले हैं, चाहे इस तरीके के न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो सकते हैं, उनको भी बुला के एक बार मीटिंग में करके ये निर्देश दे दिए जाएंगे कि वो कोविड की जो गाइडलाइन है, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए ही अपने यहाँ कोई आयोजन रखें, और सख्ती से इसका कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा 11 से 5 के लॉकडाउन का। नया साल आने वाला है, जो अंग्रेजी नव वर्ष है, और इसमें सभी से अपील है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अपने अपने घरों में नव वर्ष का त्यौहार मनाएं, और जो कोरोना कर्फ्यू का आदेश दिया गया है 11 से 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा रात के, उसका पूर्ण रूप से पालन करें, और पुलिस की तरफ से यहाँ पे चेकिंग और पेट्रोलिंग लगातार की जाएगी, और अगर कोई इस कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।